जहां भीषण ठंड में बिजली का संकट बरकरार है। रूस के हमलों के बाद वहां के बिजली घर तबाह हो गए हैं, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। खेरसोन से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जिसमें लोग बिना बिजली के संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। लोग जनरेटर के सहारे जिंदगी काटने को यहां मजबूर दिखे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आम लोग जो यूक्रेन में रह रहे हैं, अब उन्हें बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि रूस ने सबसे पहले बिजली घरों को ही अपना निशाना बनाया है। ऐसे में आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। तो पुतिन को धोखे का खतरा लगातार सता रहा है, और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन में अवैध हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 100% माना जाता है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन का सबसे नया और सबसे खतरनाक हथियार आखिर कौन सा है, जिससे ज़ेलेंस्की भी परेशान हो उठे। ज़ेलेंस्की पर चला पुतिन का छापा। पुतिन का चाबुक चला तो कैसे मारे गए ज़ेलेंस्की के 40 टारगेट। ये है ज़ेलेंस्की के आसमान में सबसे खतरनाक मिसाइल, जो फायर की जाती है तो शिकार 100% करती है। इसकी पूरी गारंटी पुतिन की फौज देती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बुक M3। इसे आप पुतिन का चाबुक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मार के आगे ज़ेलेंस्की के गेम चेंजर हथियार जैसे हाइमर्स भी डरा डरा सा महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन के इस नए अपडेटेड हथियार को जानने से पहले आपको एयर डिफेंस पर कुछ बुनियादी बातें बताते हैं, जिससे आप इस रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एयर डिफेंस यानी दुश्मन के हवाई हमले को रोकने की ताकत। एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐसी मिसाइल होती है जो हवाई टारगेट पर फायर की जाती है। एयर डिफेंस क्रूज मिसाइल को भी रोकता है, एयर डिफेंस ड्रोन को भी रोकता है, एयर डिफेंस फाइटर जेट को भी रोकता है, एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराता है, एयर डिफेंस रॉकेट हमलों को भी रोकने के लिए तैनात किया जाता है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 40 हवाई टारगेट को अपने बुक M3 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। पुतिन की फौज इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, और उसका दावा है कि ज़ेलेंस्की के रॉकेट वाले हमले, यूक्रेन के फाइटर जेट वाले हमले और उनकी क्रूज मिसाइल सब रूस के आगे बेबस नजर आएंगी। रूस ने अपने बुक M3 को डॉनबास में कई जगह तैनात कर दिया है। बुक M3 एक मीडियम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो क्रूज मिसाइल से लेकर फाइटर जेट और रॉकेट हमलों को रोक सकता है। इसकी मिसाइल की रेंज 2.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है, यानी इस दायरे में दुश्मन का हवाई हमला नाकाम किया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 15,000 मीटर की ऊंचाई तक और 35 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें मिसाइल दागने के लिए 6 ट्यूब होती हैं, यानी 6 मिसाइल इसमें एक बार में लोड की जाती हैं। इसकी मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम यानी इसके पुराने वर्जन 1980 में तैयार किए गए थे। यही वजह है कि इसके कुछ पुराने वर्जन ज़ेलेंस्की के पास भी हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर अब पुतिन के ड्रोन हमलों से तबाह कर दिए गए हैं। रूस की फौज को बुक M3 सबसे पहले 2016 में मिला था। इसके पुराने वर्जन बुक M2 और बुक M1 भी खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन बुक M3 को तकनीकी रूप से काफी बेहतर बना दिया गया है, और यही पुतिन के मीडियम रेंज वाले एयर डिफेंस की सबसे नई और कामयाब ताकत बताई जा रही है। आखिर पुतिन को अपने इस सिस्टम को डॉनबास में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे बहुत गौर से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिए, जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से M270 मिला, जो हाइमर्स का ही दूसरा रूप है। इसकी रेंज भी इतनी ही है। इन दोनों रॉकेट सिस्टम ने पुतिन की फौज को कई मोर्चों पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खारकीव से लेकर खेरसोन में पुतिन को इन्हीं दो मल्टी रॉकेट लॉन्चर ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस का दावा है कि अब वो हाइमर्स के रॉकेट को रोकने में कामयाब हो रहा है, और इसकी बड़ी वजह बुक M3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। डॉनबास में अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए पुतिन को ऐसे हथियार चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और इस वक्त बुक M3 पुतिन को रोज अच्छी खबर दे रहा है।
Оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады вооруженных сил Украины. बुक M3 तो रूस की फौज में अभी शामिल किया गया है, लेकिन रूस इस हथियार को 80 के दशक से इस्तेमाल कर रहा है। नाटो इस एयर डिफेंस सिस्टम को SA-70 या ग्रिजली के नाम से भी पुकारता है। शुरुआत यानी 1980 के दशक में बुक के पहले वर्जन की रेंज 25 किलोमीटर तक थी, लेकिन 1997 में आए इसके M1 वर्जन की ताकत बढ़कर 45 किलोमीटर कर दी गई। 2016 में जो बुक M3 शामिल किया गया उसकी रेंज 70 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। ऐसे हथियार अब पुतिन को खेरसोन की हार भुलाने की ताकत दे रहे हैं। पुतिन की फौज को भरोसा दिला रहे हैं कि खेरसोन तो हाइमर्स ने उनसे छीन लिया, लेकिन अब डोनबास का कोई इलाका ज़ेलेंस्की वापस नहीं ले पाएंगे। इसी भरोसे की वजह से पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं और उनके अटैक का दायरा अब खेरसोन के उन इलाकों तक पहुँच गया है जहाँ पहले पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका था। Божого дня окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів. रूस का स्पेशल ऑपरेशन बनाम नेटो की ज़ेलेंस्की हथियारों वाली मदद। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं बल्कि रूस और अमेरिका या कहें कि नेटो के बीच चल रहा है। जर्मनी अपना बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को दे चुका है। ये वेपन सिस्टम क्या है, इसकी ताकत और रेंज क्या है और रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है, उससे पहले देखिए कि जर्मन चांसलर ने इसे ज़ेलेंस्की तक पहुंचाने से पहले क्या कहा था। In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने पुतिन को भी परेशान किया है। रूस के जहाज अब पहले वाली आजादी से यूक्रेन के आसमान में नहीं उड़ रहे हैं और इसमें आयरिस जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा, तो उसे ऐसे हथियार मिलने शुरू हो गए। यूक्रेन के पुराने सभी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो या फिर सोवियत संघ के जमाने वाला बुक मिसाइल सिस्टम, रूस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए हैं। इसलिए IRIS-T मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आने से उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर जिंदा हो गई है और इसी का रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के 3 हथियार हैं जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो भले पुराने हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है एस्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव S-300 एयर डिफेंस सिस्टम काफी भरोसेमंद हथियार माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। S-300 की फायर पावर देखिए, क्योंकि इससे तो नेटो की फौज भी घबराती रही है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है।
सीधा कहें तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। दरअसल S-300 वो महाविनाशक है जो ज़ेलेंस्की के लिए भी गेम चेंजर बना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन को बाद में ऐसे नेटो से कई हथियार मिले हैं जिनसे उन्होंने रूस को रोका है। 23 फरवरी की रात में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। रूस की सेना अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रही है, बल्कि एयर डिफेंस जोन भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते वक्त के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है।